वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। प्रूव दैट 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। हमने प्रूव करना है इसको, इसके इक्वल दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या, 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखो इसमें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 9/4 कॉमन आ रहा है। 9/4 कॉमन आ रहा है तो यहां पे क्या बचा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। एक आपने प्रॉपर्टी की है, π/2 में से साइन इनवर्स जाएगा तो क्या बचेगा, कोस इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी याद दिला देता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। और साथ में उसकी दो प्रॉपर्टी और थी, टेन इनवर्स का सम कोट इनवर्स के साथ π/2 होता है और कोसेक इनवर्स का सम सेक इनवर्स के साथ π/2 होता है। हमें चाहिए साइन इनवर्स वाली, तो कौन सी प्रॉपर्टी, सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 के इक्वल होता है। तो यहां पे एक्स को हम 1/3 है हमारा साइन, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। अगर π/2 में से साइन इनवर्स जाएगा तो कोस इनवर्स बच जाएगा, और कोस इनवर्स इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स। तो π/2 में से साइन इनवर्स जाएगा तो क्या बच जाएगा, कोस इनवर्स 1/3। बट हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, साइन इनवर्स। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है, या हमने जो इससे पहले हमने मिसलेनियस का पार्ट 1 किया था उसमें इसका काफी यूज किया है कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे हम दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करें। जैसे आप 10th क्लास में करते थे, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है 3/5 है मान लीजिए, तो कोस थीटा आप निकाल सकते हैं, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। और 12th क्लास में हम मान लो कोस इनवर्स, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, b/h होता है। सपोज कोस इनवर्स को हमें चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स क्या होता है, कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और टेन इनवर्स में चेंज करना हो, टेन इनवर्स p/b होता है। तो ये कोस इनवर्स b/h है, तो b हमारा कितना है 1 बेस, और h कितना है 3, यानी कि हमें इसको चेंज करना है साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे, इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर माइनस कर देंगे, 9 - 1√8 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 9/4√8 √8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2/3। कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, हमने यही शो करना था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉल्व द इक्वेशन। जहां पे भी सॉल्व द इक्वेशन लिखा होता है, इसका मतलब आपने यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। और यहां पे वेरिएबल हमारा यानी कि एंगल जो है एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व फॉर एक्स लिखा हो सकता है या सॉल्व द इक्वेशन भी लिखा हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव नहीं कर रहे हैं, हमने सॉल्व करने यानी कि लेफ्ट राइट के इक्वल है, गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2 tan inverse cos x इक्वल टू हमारा दिया हुआ 10 inverse 2 cosec x। अब हम यहां पे चेंज करते हैं 2 tan inverse, क्योंकि उधर की तरफ 10 inverse है। अगर हमारा 10 inverse x इक्वल टू 10 inverse y है दोनों तरफ, जैसे आपने 10th क्लास में किया था, दोनों तरफ 10 inverse है, क्योंकि ये 1:1 फंक्शन होता है। बच्चे तो ऐसे समझते हैं 10 inverse से 10 inverse कट गया, ऐसा नहीं होता। तो x इक्वल टू ऐसा समझ सकते हो आप, बट ऐसा नहीं होता। ये 1:1 फंक्शन क्या होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूं नॉलेज के लिए। अगर इमेजेस सेम है, आपने जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट, तो वहां पे मैंने बताया 1:1 फंक्शन क्या होता है। अब फर्स्ट चैप्टर में भी आपने किया है कि 1:1 ON2 फंक्शन क्या होता है। अगर दो पॉइंट की इमेजेस, दो एलिमेंट की इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, ये 1:1 फंक्शन होता है। अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो उनकी इमेजेस इक्वल होती हैं, अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 10x की इमेज अंडर 10 इनवर्स और y की इमेज अंडर 10 इनवर्स इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ये 10 इनवर्स दोनों तरफ कोस इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, 10 इनवर्स हो या कोट इनवर्स हो, कोट इनवर्स x इक्वल टू, अगर कोट इनवर्स y के इक्वल होगा तो x किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू y के इक्वल।
तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इधर भी हम टेन इनवर्स बना रहे हैं, उधर टेन इनवर्स है, जिससे कि हमारे ये कह सकते हैं आप टेन इनवर्स दोनों तरफ कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो टेन टू टेन इनवर्स को टेन इनवर्स एक्स में फॉर्म चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो चेंज कर रहे हैं हम, टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर इजिकल टू टेन इनवर्स टू कोसेक्स को क्या में चेंज कर देंगे, साइन एक्स आ गया भाई, ये समझ में आ गया। दोनों तरफ टेन इनवर्स है या दोनों तरफ साइन इनवर्स है, अगर इमेजेस सेम है एलिमेंट्स की तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज टू कोस एक्स वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू बाई साइन एक्स, टू से टू कैंसल, इक्वल में दोनों, कोस एक्स नीचे क्या आएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स वन बाई साइन एक्स, एक साइन से साइन कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा कोस एक्स बाई साइन एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि इधर दो है एक पावर कट जाएगी साइन से बराबर में, ऐसे करके दिखा सकते हैं आप, कोट एक्स इक्वल टू वन, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स वन। तो दिस इंप्लाइज अब कोट इनवर्स वन, वन किसकी वैल्यू होती है पाई बाई फोर की, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व द इक्वेशन, वही है हमारा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इसके इक्वल गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इजल टू टेन इनवर्स एक्स हमें गिवन है भाई, ठीक है। तो हमें टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स किसकी इक्वल, हमें टेन इनवर्स एक्स की इक्वल गिवन है हमें वन बाई टू, सॉरी वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स की गिवन है, हमें वैल्यू एक्स की निकालनी है। तो यू कैन राइट टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस, इसके साथ एक्स के साथ वन समझ सकते हैं, वन मल्टीप्लाई एक्स दिस इज इक्वल टू, ये वन बाई टू गिवन है भाई क्वेश्चन में, वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। अब आपने एक फॉर्मूला किया है टेन इनवर्स, सिंस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहां पे देखें टेन इनवर्स वन को हो गया हमारा एक्स का काम करेगा एक्स वाई, वन प्लस एक्स इंटू वाई, तो किसका फॉर्मूला बना टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बना ये, और वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। अब दोबारा देखें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और वन प्लस एक्स इंटू वाई, यानी कि जो हमारा ये चीज बन रही है ये क्या बन रही है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स का काम वन एक्स का काम कर रहा है और एक्स किसका काम कर रहा है, वाई का काम कर रहा है, ठीक है। टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई फोर, आपको पता है टेन इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें टेन इनवर्स एक्स बाई टू, और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज पाई बाई फोर, एलसीएम ले लेंगे आप टू एलसीएम आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स पाई बाई फोर, यह है थ्री टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई टू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दिस इंप्लाइज हमें थ्री बाई टू को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो उधर इधर आके क्या हो जाएगा टू बाई थ्री हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो ये क्या आ गया हमारा पाई बाई सिक्स, दिस इज टेन इनवर्स एक्स। देखो उधर थ्री बाई टू था तो इधर आएगा क्या बन जाएगा टू बाई थ्री बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो टेन इनवर्स इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या बन जाएगा टेन पाई बाई सिक्स, और आपको पता है टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन बाई रूट थ्री। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज टू पाई बाई टू, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी हमें,
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं उधर, माइनस है तो उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए इधर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, राइट साइड में बन, क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आपको याद होगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 आ जाए, पाई बाई 2 प्लस थीटा हो या पाई बाई 2 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस थीटा हो जाता है और साथ में और प्लस माइनस यहां पे आता है इसके आगे साइन, वो डिसाइड करता है क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा, क्या यूज किया हमने, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। अब 1 माइनस एक्स कोस, अब 2 साइन इनवर्स एक्स का हमें कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, कोस इनवर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कोस है यहां पे तो अंदर हम कोई भी कन्वर्ट करते हैं उसको कोस इनवर्स में, या एक्स की या वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं हम, जिससे कि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाए, कोस में बन जाए, कोस इनवर्स हो बाहर या कोस बाहर हो तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला, हमें 2 साइन इनवर्स को हमें डायरेक्ट कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना नहीं आता क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इसको थीटा मान लिया, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा भी होता है और 1 माइनस 2 साइन के थीटा भी होता है और 2 कोस के थीटा माइनस 1 भी होता है और 1 माइनस टेन के थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन के थीटा भी होता है, बट हम साइन इनवर्स है तो साइन का यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, थीटा हमारा ये है साइन इनवर्स एक्स, कौन सा यूज किया हमने, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, समझ में आ गया, लिख देता हूं मैं, सिंस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2, देखो ये साइन स्क्वेयर थीटा है, साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा की स्क्वेयर, इसका मतलब साइन थीटा की होल स्क्वेयर, पता है आपको साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा की होल स्क्वेयर, तो साइन से साइन इनवर्स, यानी कि साइन साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 2 एक्स की स्क्वेयर, हम इस स्टेप को लिख के दिखा देता हूं, दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज, ये हो गया साइन स्क्वेयर थीटा है साइन थीटा की होल स्क्वेयर, और साइन साइन इनवर्स एक्स आपको पता है किसकी इक्वल होता है, एक्स की इक्वल होता है, तो 1 माइनस 2 एक्स बचा यहां पे एक्स की स्क्वेयर, 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस एक्स, माइनस है तो उधर किसका आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 0, यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है माइनस एक्स, या एक्स कॉमन ले लेते हैं माइनस 1, और यहां पे क्या बचा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे हम वैल्यूज निकालेंगे, हम देखेंगे, हम दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 और इसको 0, इसको 2x प्लस माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब हम देखेंगे क्या ये जो दोनों वैल्यूज निकालेंगे क्या दोनों ही सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट का, तो इसलिए हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स को पहले 0 पुट करके देखें या क्या सेटिस्फाई कर रही है, या फिर 1/2। केस 1, पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ई क्यू के ऊपर एन लगाया तो इसका मतलब इक्वेशन है, तो पुट किया हमने लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 1 माइनस 0 और माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, साइन इनवर्स 0 0 होता है और पाई बाई 2 कौन सी साइड आ गई भाई, राइट हैंड साइड। अब हम केस सेकंड करेंगे, क्या करेंगे हम केस सेकंड, इसको मैं रब कर देता हूं यहां पे, केस सेकंड पुट ये मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन है, पुट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, अब एक्स को 1/2 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2,
तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स 1 बाई टू और माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई टू। ठीक है भाई, ये कितना हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1 बाई टू की वैल्यू बताएंगे कितनी होती है, 30। 1 बाई टू किसकी होती है, 30 की पाई बाई 6, माइनस ये भी कितना, पाई बाई 6, पाई बाई 6 माइनस पाई बाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह आ गया हमारा 30 और ये 60, कितना आ गया माइनस 30। दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे पाई बाई 2 नहीं आता, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। अब ध्यान दें भाई, हम पेपर में अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप सिर्फ x इज इक्वल टू 0 अगर आपको वैल्यू याद है या रफली वैसे पुट करके देख लें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, तो आप डायरेक्ट लिख दें x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सिंस x इज इक्वल टू 1 बाई 2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो ये केस लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लिखें तो बेटर है, नहीं लिखें तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। साइन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आपने एमसीक्यू टाइप में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसकी वैल्यू बतानी है, ए पार्ट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए मैंने आपको जैसे बताया साइन है और अंदर क्या है, टेन इनवर्स, तो आप क्या करें इसको भी साइन इनवर्स में चेंज कर लें, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, तो ये टेन इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब ये हमारा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे अगर हम फिगर बनाते हैं, ये हम इसके नीचे 1 समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर हो गया एक्स और बेस कितना हो गया 1, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा एक्स है और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर अंडर द रूट, ये आया हमारा अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, और यहां पे साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स में चेंज किया हमने, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी, डी पार्ट हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आपने क्या करना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है और इसमें से जो भी ऑप्शन आएगा उस पर आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है।